चार महीने की बात है, गुजर जाएंगे और मेरे हसन की दुल्हन घर में आ जाएगी। खुदा झूठ ना बुलवाए तो कम से कम 50 बार दिन में ये जुमला जरूर सुनता हूँ मैं आपसे। वैसे डैड, अम्मी का बस चले ना तो अपनी बहू को 2 महीने नहीं 2 घंटे में रुखसत करके ले आए, है ना? है ना? वाकई। अरे अम्मी तो 2 घंटे में सारी शॉपिंग कर ले, लेकिन लड़की वाले नहीं कर पाएंगे ना, मसला ये। इसीलिए अम्मी मजबूर हैं कि 2 महीने तक इंतजार किया जाए। क्यों अम्मी? ओफो, तुम लोग तो मेरे पीछे पड़ गए हो। जिस घर में आप लोग हसन की शादी कर रहे हैं वहां 2 साल भी कम होंगे तैयारी के लिए। मुझे समझ में ये नहीं आता कि चलो ठीक है हमसे ऊंचा खानदान ना, लेकिन कम से कम बराबरी के लोगों में तो रिश्ता कर सकते थे ना। डैडी आपने किस तरह अग्री कर लिया? बेटे मैं तो खुद इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। अगर क्या करता, हसन एक दफा जिद पकड़ ले तो फिर उसकी बात माननी पड़ती है। लाडला है, सबसे छोटा है, उसकी जिद के सामने हथियार डालने पड़ते हैं हमें। वैसे देखा जाए तो शादी तो हसन की है, राइट? तो मर्जी भी उसी की होनी चाहिए। अब इसमें कुछ गलत नहीं है ना डैडी? समय मुझे चाय बना। हसन के बारे में इतनी सारी बातें हो गई, ये हसन है कहाँ भाई? कॉल करो उसे। अरे हाँ भाई, कहाँ है हसन? मिलाओ मिलाओ। हाँ कैसे बात करूं मैं? चांद जी, अम्मी। बेटा जल्दी करो, आसान होने वाली है। मैं सामान लेकर आती हूँ। हाँ। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से, देख के कपड़े बचा के। ये क्या हरकत है? किसने दिए हैं तुम्हें ये? किसने दिए हैं? अरे बहू, बच्चे हैं, थोड़ा हल्ला गुल्ला करने दो इन्हें। आउट ऑफ हेयर, बाहर जाओ, इन्हें फेंको और हाथ धो जाके। डैडी ये सख्त बदतमीजी है और आपको पता है कि मुझसे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती। आपी, ये देखें। ओहो, अनार। अजान होने वाली है, चलो आके बैठो। चलो, अजान हो जाएगी तो बाहर चलेंगे फिर। आराम से बैठ के। अच्छा, अभी मुझे भी देनी। चलो चांद। ये लड़की भी ना अभी तक बच्ची की बच्ची है। बस बात है, बच्ची तो है ना। ठीक कह रहे हो, शरबत पिलाओ भाई, बहुत गर्मी थी आज। आराम से चांद, ऐसे भी क्या आफत है बेटा? आफत आई नहीं पर आ जाएगी। Thank you.
ये लीजिए चाय। देखे ना, शबे बारात भी आ गई, रमजान में कितने थोड़े से दिन रह गए। मुझे तो सोच सोच के हाल उठ रहा है, वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। 2 महीने बाद चांद की शादी हो जाएगी और हमने तो अभी कोई तैयारी भी नहीं की। आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं, इंशाल्लाह सब कुछ बखैरियत हो जाएगा। और हमने कौन से लंबी चौड़ी तैयारी करनी है। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो। इस बार हसन का खानदान बहुत बड़ा खानदान है, हम अपनी बेटी की शादी वहाँ कर तो रहे हैं, अगर क्या चांद एडजस्ट कर लेगी खुद को वहाँ पे। इलियास, हमारी चांद बहुत समझदार बच्ची है, आप देखिएगा वो इंशाल्लाह अपने आप को नूं के माहौल में बहुत जल्दी ढाल लेगी, कोई परेशानी नहीं होगी उसे। अल्लाह करे हमारी जबान मुबारक हो। वो जो मैंने ऑफिस में लोन के लिए अप्लाई किया था ना, वो अप्रूव हो गया है, बस चंद दिनों में चेक मिल जाएगा, फिर तुम तैयारी शुरू कर देना। हाँ जरूर। चाय का मजा आ गया वैसे, है ना। रोजे के बाद सिर्फ चाय पीने को मिलूंगा। चांद कहाँ गई? चांद वहाँ है अहमद के साथ। अगर अभी तुम 5 मिनट में कॉल बैक ना करती तो मैं तुमसे वाकई नाराज हो जाता। मुझे लगता है कि तुम्हें गुस्सा करने का बहुत शौक है ना, इसीलिए हमेशा गुस्सा करते रहते हो, नाराज होते रहते हो मुझसे। क्या मतलब है भाई, जो लोग मोहब्बत करते हैं उनको नाराज होने का पूरा पूरा हक होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा, तो ऐसी बात है। हाँ, ऐसी ही बात है। तुम्हें क्या पता, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना क्लास में, उसी दिन मैंने तहिया कर लिया था कि अगर मैं शादी करूं तो सिर्फ तुम्हारे साथ। मुझे प्यार के बारे में तो पता था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी प्रपोज कर दोगे तुम मुझे। लेकिन भाई मुझे तो पूरा यकीन था कि मेरा प्रपोजल उतनी जल्दी एक्सेप्ट भी हो जाएगा। अच्छा, तो इतनी खुशफहमी है आपको? खुशफहमी नहीं है चांद, यकीन। यकीन अपने आप पर, अपनी मोहब्बत। और देखो, मेरा यकीन सच्चा साबित हो, आज तो मेरे नाम की अंगूठी पहने, और आज से ठीक 2 महीने बाद तो मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओगी। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रख रही हूँ, बहुत देर हो गई है। ठीक है। कम ऑन यार, तुम बहुत देर लगाती हो हर काम में, जल्दी जल्दी किया करो, अभी इतना सारा काम पड़ा हुआ है। चलो जल्दी करो। तुम्हें हसन की शादी से इतनी दिलचस्पी क्यों? क्यों ना हो दिलचस्पी, मेरे छोटे भाइयों की जैसा है वो, और बहुत अरमान है मेरे उसकी शादी के लिए। अच्छा, अगर इतने अरमान हैं तो उसकी शादी किसी अच्छे घर में क्यों नहीं करवा रही? इतने मामूली से घर की आम लड़की के रिश्ते में हमें हाथ क्यों मिलाई है? तुम्हें तो बताइए, शादी के बाद बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी होता है। सोनिया भाभी, बैकग्राउंड वगैरह देखना हरगिज़ मेरा काम नहीं है। ऑफ कोर्स, तुम्हें भी कहाँ है जिंदगी की आदत है, अगर आदत होती तो शायद मेहनत का अंदाजा भी होगा। आपको तो आदत है ना ऐसी लाइफ की, तो फिर आप ही क्यों नहीं ढूंढ कर ले आई हसन के लिए हीरा जैसी लड़की अपने सर्कल से? और वैसे भी इस घर में तो वो ही होता है ना जो आप चाहती हैं, तो फिर इस बार क्या होगा? कैसे कॉम्प्रोमाइज करेंगी आप इतने छोटे घराने की लड़की को अपनी देवरानी बनाने पर? या बल्कि ऐसे कहना चाहिए कि कैसे बर्दाश्त करेंगी आप? तुम भूल रहे, वो मेरे साथ साथ तुम्हारे भी होने वाली देवरानी है, इसलिए जो अपने तंज के तीर मुझ पर चला रही है ना, वो बचा के रखो। आपने सब मुझे तो इस घर में, बल्कि यूं कहूं कि इस जंग के मैदान में एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है
जिसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा सके। Oh, come on, यार चांद, what the hell is your problem? तुमसे 10 मिनट बात करो तो मैं 10 काम याद आ जाते। As if you're looking for reasons to hang up. हसन सिचुएशन समझने की कोशिश करें, अब वो घर पर हैं आज। क्यों? डैडी हजूर पाबंदियां लगाते हैं क्या? बात कंडीशन की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि हमारे घर का माहौल इस तरह का नहीं है। यार इसमें ऐसा क्या है, मंगनी हो चुकी है, हमारी शादी होने वाली है, आई मीन बात करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब्बू को नहीं पसंद इस तरह बात करना मेरा। हसन, मुझे लगता है कि अम्मी आ गई है, मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा लिसन। जी अम्मी। बस बस बहुत है बहुत है। ये तुम्हारा लाडा कहाँ रह गया, उसने यूनिवर्सिटी नहीं जाना? लीजिए, आपने याद किया और वो आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाओ। हाँ भाई, हमारा लाडला क्यों ना हो, यही तो है जो मेरे ख्वाब पूरे कर रहा है। क्या बात है डैड, सुबह सुबह किन ख्वाबों का जिक्र हो रहा है? अरे मेरे ख्वाबों का जिक्र हो रहा है बेटा, तुम्हारे MBA का जिक्र कर रहा हूँ मैं, मेरा ही तो ख्वाब है ये। आराम से बेटा, आराम से खाओ ना बेटा, ये इनके दोनों साहबजादे तो निकम्मे निकले, हरी झंडी दिखा दी, बस कॉलेज से फारिग हुए और सीधा बिजनेस में। एक यही मेरा बेटा है माशाल्लाह, जो यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है, MBA करेगा ये, MBA। ज़हीन जो है हसन हमारा। हसन बेटा, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है? जी जी। अच्छा एक वादा है, जो ही तुम पास हो गए ना, तुम्हारी शादी कर दूंगा। मुझे देर हो रही है, चलता हूँ। नाश्ता तो कर लो बेटा। नहीं नहीं मॉम, वो देर हो रही है। ओके जी। शर्मा आ गया। चाय दूँ आपको? नहीं जाना है क्या इलियास? क्या बात है इलियास? इलियास सब ठीक तो? चांद, चांद, इलियास, इलियास, अहमद, अहमद। यार सिर्फ दो पेपर सुने दिए थे, दो पेपर्स, वो भी क्लियर नहीं कर सकते। आहिस्ता बोल, क्या करे, सुन लेगा कोई? तुझे तो पता है यार, यहाँ क्लासेस स्टार्ट हुई और वहाँ क्लास में चांद की एंट्री, बस फिर क्या था, किसी चीज का होश ही नहीं रहा यार। और अब जो डैडी तुम्हारे होश उड़ाएंगे उसका क्या करोगे? डरा तो ना यार, और अभी तो चांद को पता नहीं लगा, उसे खबर होगी तो पता नहीं क्या होगा। रिलैक्स, आज चांद यूनिवर्सिटी नहीं आई, वरना उसे पता चल जाता और वो यहाँ खड़ी होती। मेरा तो यही मशवरा है कि शादी तक इस बात को दबा ले, नहीं बता, वरना मुझे बहुत बैड वाइब्स आ रही है भाई। मैं भी यही सोच रहा हूँ यार, यार मान डैड से तो छुपानी पड़ेगा यार, कसम से नहीं पता लगा ना तो बहुत हंगामा करेंगे। और तुझे पता उनका प्लान क्या है? क्या प्लान है? कि जब तक मेरा MBA मुकम्मल नहीं होता मेरी शादी नहीं करेंगे। रियली? यार फिर इससे तो मुझे यही लग रहा है कि सॉरी, इधर तुम्हारे डैड को पता लगा कि हसन फेल हो गया है और उधर तुम्हारी शादी कैंसिल। अबे ये यार, तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? मजाक कर रहा हूँ, ठंडा हो जा। अच्छा बात सुन, ये लाइब्रेरी नहीं देख रही है, खिसक ले। चल वाओ अम्मी, ये कितना प्यारा सेट है। मेरी शादी का सेट है, मेरे लिए बहुत यादगार है ये, मैं हसन की दुल्हन को दूंगी, वो दिखाइए। कहाँ है हसन? हसन कहाँ है? फौरन फोन करके बुलाओ उसे। क्या हो गया है, अल्लाह खैर करे। सब उठाओ, ये लॉकर में बंद करो, मैं ये शादी कैंसिल कर रहा हूँ। क्या हो गया? मेरा सर शर्म से झुका दिया है उसने।
अरे मैं कितने फखर से कहा करता था कि मेरा बेटा MBA कर रहा है। तो क्या वो नहीं कर रहा? पिछले दो सेमेस्टर से फेल हो रहा है तुम्हारा बेटा। दफर, हमसे झूठ बोलता रहा है वो। अच्छा अच्छा, आप गुस्सा मत करें, कोई बात नहीं, फिर कर लेगा। तो जब वो पास कर लेगा तभी उसकी शादी की जाएगी, समझा दीजिएगा अपने बेटे को। डैडी, चाय। थैंक यू, अच्छा किया चाय ले आई तो मेरे लिए। बहुत तलब थी मुझे चाय की। तुमने देखा इस लड़के ने क्या हरकत की है? दिमाग घुमा दिया मेरा। डैडी आप खाम खास स्ट्रेस मत लें, तबीयत भी खराब हो सकती है। वैसे आई अग्री विद यू, हसन की शादी को डिले करने का फैसला बहुत अच्छा है। तुम देख लेना, अब जब तक ये पूरा MBA नहीं करता मैं इसकी शादी करने वाला नहीं हूं। कितना फखर था मुझे कि कम से कम मेरा एक बेटा तो MBA कर रहा है। सब के सब निकम्मे निकले। आई थिंक यू शुड गिव हिम अनदर चांस। आप एक मौका देकर तो देखें। एक मौके की बात कर रही हो? जब तक ये सारे के सारे पेपर्स क्लियर नहीं कर लेता मैं शादी नहीं होने दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। आपने हसन को बताया? फोन करके बुलाया मैंने उसे, इत्मीनान से बिठा के समझाऊंगा उसे। गॉड तुम आ गए हसन। क्या बात है भाभी, सब खैरियत तो है ना? घर में कुछ हुआ है क्या? डैड को तुम्हारे फेल होने का पता चल गया। What? ना करे भाभी। कैसे? और एक और बुरी खबर ये है कि डैड तुम्हारी शादी कैंसिल करने का सोच रहे हैं। लेकिन भाभी ऐसे कैसे शादी कैंसिल कर सकते? हाँ शायद वो ऐसा ना करते, लेकिन तुम तो जानते हो ना, जहाँ सोनिया भाभी हो वहाँ कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि तुम्हारे फेल होने का भी सोनिया भाभी ने डैड को बताया है। कम ऑन सोनिया भाभी, आई वांट टू डू दैट। भाभी
प्लीज कुछ करें प्लीज। आपको पता है वहां चांद के फादर को भी हार्ट अटैक। ओह माय गॉड, तो वाकई बहुत बुरी खबर है। भाभी भाभी व्हाट्स अप? नथिंग यू नो, सिर्फ अगर तुम सही समझो तो यू नो डैड कितने गुस्से में है राइट, तो जस्ट टू काम हिम डाउन तुम ये खबर अपनी फेवर में यूज कर सकते हो। हाउ? मतलब क्या? मैं समझाती हूँ, तुम जल्दी से अंदर जाओ और इससे पहले कि डैड तुम्हें कुछ बोले तुम उन्हें ये खबर ब्रेकिंग न्यूज की तरह सुना दो। अब जब तक इलियास अंकल की तबीयत ठीक होगी तब डैड का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। Actually, this is a very good idea. Thank you, Abhi. कैसी तबीयत है उनकी? बहुत बेहतर है, शुक्र है अटैक सीवियर नहीं था। हाँ लेकिन हार्ट अटैक तो हार्ट अटैक होता है ना। मैंने फोन किया था मिसवा बहन को, वो बहुत परेशान थी बेचारी। बहुत अच्छा किया आपने, जब आपने फोन किया ही था तो पूछ लेती हमारी तरफ से, अगर कोई काम हो तो बताएं। कमाल करते हैं आप भी, कितनी भी परेशानी हो हम उनकी बेटी के ससुराल वाले वो क्यों करेंगे हमसे ऐसी बातें। बहुत वजीदार शरीफ लोग हैं जान के घर वाले। आपने क्या वाकई हसन की शादी डिले कर दी है? हाँ, ये मेरा कतई फैसला है। देखिए ना इख्तिशाम, वो लोग तो बीमारी की वजह से वैसे भी बहुत परेशान होंगे और ऊपर से इस तरह बेटी की शादी डिले हो जाए। कुछ नहीं होगा, बल्कि उनके लिए हो सकता है ये अच्छा ही होगा शादी में डिले हो, बल्कि हो सकता है कि वो चाह ही रहे हो। एक्सक्यूज मी। का शुक्र है हम आप बिल्कुल सेहतमंद हो। हाँ ठीक तो हो गया हूँ, इस बार दिल एक बार खराब हो जाएगा फिर कभी ठीक नहीं होता, किसी वक्त भी जवाब दे सकता है। नहीं अबू, अब आप बिल्कुल ठीक हो गए, देखे ना कुछ भी तो नहीं हुआ। हाँ बेटे, तुम्हारी दुआएं जो है ना तुम्हारी मोहब्बत का इजहार है, लेकिन जो हकीकत है हम उससे नजर तो नहीं चुरा सकते। अबू एक माइनर सा अटैक था और आप बिल्कुल ठीक हो गए, इसमें मायूसी वाली कौन सी बात है? माइनर अटैक दोबारा कब होगा ये हम नहीं कह सकते। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में सारे काम कर जाओ। मतलब है आप क्या करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि चांद की शादी जल्द से जल्द करो, इसी हफ्ते। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, मैं हसन के वालिद से बात करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात समझ जाएंगे। मगर लेकिन रियाज, हम लड़की के माँ बाप हैं, हम अपने मुंह से ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? देखो चांद चांद आया। आप मायूस बिल्कुल ना हो इलियास साहब, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भाई मैं मायूस नहीं हुआ शाम भाई, बस मेरा दिल बहुत घबरा गया है, लेकिन अब 2 महीने बहुत होते हैं, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। असल में हम ये चाहते हैं कि शादी अभी हो जाए, यानी रमजान से पहले, 2 महीने बाद भी तो होनी है। रमजान से पहले? लेकिन ये तो बहुत जल्दी है। हाँ मगर आपके लिए तो जल्दी कोई मुश्किल नहीं है, और रह गई हमारी बात, हमारे हालात से तो आप वाकिफ ही हैं
और हम तो शादी बहुत सादगी से करना चाहते हैं। आंटी सादगी अपनी जगह, लेकिन शादी तो शादी ही होती है ना। फिर हमें अपने मिलने वालों का, दोस्त अहबाब का ख्याल रखना पड़ेगा। हम अपने स्टेटस के लिहाज से ही शादी करेंगे। परेशान हो रही सोच रही हूँ अंदर पता नहीं क्या बातें हो रही होंगी। खैर मैं जा रही हूँ। असल में अंकल प्रॉब्लम ये है कि रिसेप्शन के लिए हमने होटल की रिजर्वेशन करवा दी है। अब मुझे नहीं लगता कि डेट कैंसिल करके वो हमें इतनी जल्दी डेट दे देंगे। अगर बेटा ये कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है, ये तो हैंडल किया जा सकता है। नॉन इशू भी नहीं है। आप ये सोचें कि हमें सादगी से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर डैडी का एक स्टेटस है, एक रुतबा है दुनिया में, हमें उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन सलमान भाई बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से। तुम जाओ। अम्मी जी, चांद के घर वाले हर चीज को इशू बना रहे। इनकी बात भी ठीक है सोनिया, अटैक से वो बच तो गए हैं, लेकिन खदशात तो अपनी जगह है। आप रहने दें अम्मी जी, बहुत नरम दिल है आपका। शादी जो हम एक महीने के बाद कर रहे थे वो अब कल करते हैं। तो वो कौन सा कह रहे हैं इसी हफ्ते कर रहे हैं? अगले हफ्ते की तो बात कर रहे हैं। एक हफ्ते में हम क्या क्या करेंगे? ज्वेलरी ऑर्डर करेंगे, कपड़े अपनी मर्जी के ले सकेंगे, क्या कर सकते हैं? हो जाएगा सब कुछ, डोंट वरी। सोनिया भाभी ये सब खैर ज़रूरी बात है। तुम कहना क्या चाहती हो समय? मलिक एहतशाम का सबसे छोटा सबसे लाडला बेटा, उसकी शादी हम दो दिन में करते हैं। सोनिया भाभी वक्त और हालात देखकर फैसले किए जाते हैं। वक्त और हालात कभी किसी के लिए एक जैसे नहीं रहते। आप हौसला रखिए लियाज भाई, दो महीने इतना बड़ा अरसा नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगा। श्याम भाई जो मुझ पर गुजर रही है वो मैं ही जानता हूँ, अकेला आदमी हूँ, मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है। मेरा बस चले तो तारी। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी हम शादी का फंक्शन कर लेते हैं और जब हमने वलीमा की डेट फिक्स की है हम तब वलीमा कर लेंगे। समिया बेटा ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, इस तरह हमारी परेशानी भी हल हो जाएगी और शादी आप लोगों की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक वक्त पे हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि हसन के अब्बू जल्दी करने पर मान जाएंगे। तुम होश में तो हो समया? शादी के दो महीने के बाद वलीमा करेंगे। सोनिया भाभी इट्स ओके, अगर दो महीने बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो हम एक महीने का टाइम ले लेते हैं और ईद के बाद की कोई भी डेट फिक्स कर लेते हैं। आई हैव अ सजेशन। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें रिजर्वेशंस हमने कराई ठीक, लेकिन ऐसा भी कोई मसला है नहीं, डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, मैं बात कर लूँगा। हाँ ऐसा हो तो सकता है। डैडी आप शायद भूल रहे हैं कि हम यहाँ शादी डिले करने आए हैं। क्या मतलब, क्यों डिले करना चाहते हैं? मैं बताती हूँ आंटी, हसन पिछले दो सेमेस्टर से फेल हुए और हम नहीं चाह रहे थे कि उसकी शादी करें जब तक वो अपने टेस्ट क्लियर नहीं करता। हाँ भाई दरअसल मैं ये चाहता था कि हसन एक दफ़ा MBA कंप्लीट कर ले उसके बाद शादी कर ले। नहीं एहतशाम भाई ऐसा मत कहें, पता नहीं इस पर कितना वक्त लग जाए, मैं मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता। तेरी अंकल की बात बिल्कुल ठीक है, इस वक्त उनकी तबीयत और परेशानी ज़्यादा अहमियत रखती है। एजुकेशन तो कभी भी कंप्लीट की जा सकती है, अब ये कोई गैर लोग तो हैं नहीं और आप अपनों के लिए ही तो ये सब कुछ करते हैं और अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। And I'm sure हसन भी इस बात से बहुत खुश होगा। हाँ मेरे ख्याल में समिया बिल्कुल ठीक कह रही है, चांद हमारी बहू है और उसके पेरेंट्स की परेशानी
हमारी परेशानी है। मुझे बहुत हैरत है, हसन ने सिर्फ हम लोगों से झूठ नहीं बोला बल्कि तुम्हें भी सच नहीं बताया। क्या मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हसन लास्ट सेमेस्टर में भी फेल हो गया और घर वालों को वो ये बता रहा है कि उसके सारे टेस्ट क्लियर हैं। जब सोनिया भाभी ने मुझे बताया मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि वो क्या कह रही है। हाँ, बड़ी गलत हरकत की है। हसन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हसन ने मुझसे छुपा के अच्छा नहीं किया, प्लीज मुझे तो बताना चाहिए था ना उन्हें। सारी दुनिया को ना सही, कम से कम तुम्हें तो बता देता। और हैरत तो मुझे इस बात की है जान कि तुम उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो पर तुम्हें खबर ही नहीं। अम्मी, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, ना ही मुझे ख्याल आया था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हसन फेल हो जाएंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था अम्मी। लेकिन ये हरकत बहुत गलत है। हाय। वाह भाई, आज तो मुझसे पहले ही मौजूद हो। खैर, क्या हाल है? मेरे क्या हाल है वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ये तुम क्या करते फिर रहे हो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताओ कि तुम अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। क्या हो गया अरजान, साफ साफ बताओ क्या बात है? पहेलियां क्यों पूछ रही हो? तुम अपने लास्ट सेमेस्टर में फेल हो गए, तुमने मुझे बताया भी नहीं। हसन, तुमसे दो पेपर क्लियर नहीं हुए और तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया हसन? ऐसा नहीं है जान, मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता? अगर ये धोखा रही तो और क्या है हसन? तुम्हें लगा कि मैं बहुत पागल हूँ, मुझे पता ही नहीं चलेगा, तुम मेरे साथ चीट कर रहे थे। आई स्वेयर जान, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया। मैं तो बस तुम्हें लगा कि चांद तो एक पागल लड़की, तुम जो कहोगे यकीन करती रहोगी तुम्हारी बात का है। मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, मैं तो पागल हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं। आई स्वेयर, मैंने सब कुछ नहीं सोचा, बस हिम्मत नहीं कर पा रहा तुम्हें बताने। और दूसरी बात ये कि ऐसा हुआ है कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकते, दो पेपर क्लियर नहीं कर सकते हसन, हमेशा तुम्हारे साथ यही होता है। क्या समझती तुम क्या निकले, हमेशा फेल हो जाते हो। ओके, एनफ, दैट इज इट। तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते और तुम मेरे साथ चीट कर सकते हो। हां, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, माफ मत करता हूं मैं तुमसे। अगर एक पेपर में फेल हो गया तो नहीं है ना तो आपस कुछ कहने के लिए हसन, तुमने मेरे साथ फ्लर्ट किया, सब कुछ छुपाया, तुमने धोखा दिया है मुझे। मैंने कोई फ्लर्ट नहीं किया, और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने फ्लर्ट किया तो यही सही। एंड यू शुड नॉट बी मैरिंग अ फ्लर्ट। तुम्हें एक फ्लर्ट आदमी के साथ शादी करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने मेरे साथ फ्लर्ट किया, सब कुछ छुपाया, तुमने धोखा दिया मुझे।
क्या समझती तुम क्या नहीं हमेशा फेल हो जाती हसन, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे? तुम तो चांद से मिलने गए थे ना? और उसने खुद तुम्हें फोन करके बुलाया था, राय? जी हाँ, चांद से मिलने गया था और उसने खुद ही फोन करके बुलाया था मुझे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उसने मेरी इंसल्ट करने के लिए बुलाया मुझे। इंसल्ट? लेकिन चांद ऐसा कैसे कर सकती है हसन? एग्जैक्टली भाभी, मैं भी यही सोच रहा था कि चांद ऐसा कैसे कर सकती है? क्या क्या नहीं किया उसके लिए? मोहब्बत करता हूं उससे, लेकिन वो कहती है कि मैं फ्लर्ट हूं, चीट हूं। कितना एफर्ट किया मैंने उसे पाने के लिए, कितना एफर्ट किया। ये सब कुछ चांद ने कहा है तुमसे? जी भाभी, ये सब चांद ने कहा है मुझसे। लेकिन तुम्हें क्या जवाब दिया? मैंने क्या जवाब दिया? मैंने भी कह दिया कि ठीक है, अगर मैं फ्लर्ट हूं तो मैं फ्लर्ट ही से। मैंने फैसला कर लिया था, मैं अब चांद से शादी नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं। प्लीज हसन, रिलैक्स हो जाओ, प्लीज काम डाउन। देखो, गुस्से में हमेशा मामले बिगड़ते हैं, संवरते नहीं है। भाभी, अब संवरने के लिए कुछ नहीं रह गया। हर्ट किया उसने मुझे, दिल तोड़ा उसने। ऐसे बड़ी ही नाशुक्री रखी है। लेकिन हसन, अगर इतनी एफर्ट्स और मोहब्बत के बाद अगर तुमने शादी से इनकार कर दिया तो लोग तो यही समझेंगे ना कि चांद ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया।